नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को एक सबसे मतलब चीपेस्ट जो होते हैं ना, एक सुपरमार्केट है यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी होती है, मतलब इंडिया से भी सस्ता सामान वहाँ मिलता है। तो आज हम वहीं जाने वाले हैं और जो भी सामान है वो दिखाएंगे आपको कि 50-50 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। 50 रूबल में आपको चॉकलेट्स के डब्बे मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सस्ती चीज़ें। वो जो जो होगी मैं दिखाऊंगा वहाँ पे। मैं अभी वारिस के रूम में हूँ, जो अपना दोस्त है अफगानी, वो अभी टॉयलेट में गया हुआ है, फिर वो निकलता है, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। तो भाई अपन बाहर आ गए हैं, वारिस अपना ये रहा, और अभी हम लोग जा रहे हैं, आपको मैंने बताया था, मार्केट में बस पहुँच ही गए हैं। और वेदर एकदम जैसे दिल्ली में होता है ना, एकदम ठंड वाला, तो वैसा वेदर हो रहा है एकदम यहाँ पे। अब बिल्कुल शांति है यार, गाड़ी नहीं दिखती है दूर दूर तक, और वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। कल और अच्छा था, कल धूप एकदम निकली हुई थी अच्छी सी, और बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं वहाँ पीछे ही है। और ये एक ऐसी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन नहीं है कि आप ये खरीद लें, कि आपको ये चाहिए, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं लेकिन बहुत सस्ती दिस हैं। इज व्हाट वी ट्राई। हाँ, तो बारिश ये दिखा रहा है कि स्प्रिंग आ चुका है, तो पत्ते अब धीरे धीरे उगना स्टार्ट हो चुके हैं, वरना तो पूरे नंगे हैं यहाँ के जितने भी हैं पेड़ पौधे, अब धीरे धीरे पत्ते आने लगे हैं उन पे। तो मैं कह रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो ट्रैवलर्स हैं, अगर वो खुद से सामान लेना चाहते हैं यहाँ पे सस्ता है, जो बनाते हैं यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं, तो यार बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट ऑप्शन है फिक्स प्राइस। कोल्ड ड्रिंक्स लेनी हो, जूस लेनी हो, चॉकलेट्स लेनी हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सस्ती हैं। तो मैं आपको प्राइस दिखाऊंगा कितने कितने की है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से भी सामान लें। और भी बहुत सारी मार्केट है जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, एक लेंता है, ओके है, दिक्सी है, और एक तो ये फिक्स प्राइस है, और आशान है। आशान सबसे बड़ा सुपर मार्केट है पूरे सेंट पीटर्सबर्ग का, सबसे बड़ा ब्रांच है आशान। यहाँ पे बहुत सारे हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक थिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इन सब जगहों को आप देख सकते हैं। बाकी मैं फ़िक्स प्राइस के बारे में आज बात कर रहा हूँ, तो फिक्स प्राइस में आप जा सकते हैं। हम बात करते करते पहुँच ही गए, वो रहा सामने फ़िक्स प्राइस। तो भाई ये रहा फिक्स प्राइस, ऐसा लोगो है। बारिश अंदर जा रहा है, अंदर चलते हैं। ये भाई सामान है यहाँ पे, और बहुत चीपेस्ट थिंग्स हैं यहाँ पे, स्टेशनरी का भी सामान है यहाँ पे। किताबें भी हैं यहाँ, देखो ये सिर्फ 2-2 रुबल की है, ये सिर्फ 2 रुबल की है ये। और नोटबुक्स हैं छोटी छोटी, प्रैक्टिस करने के लिए हम लेते हैं, 27 रुबल की है, ये 18 की है, ये 10 रुबल की है, ये कोलगेट 55 रुबल का है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर सामान 50 या 55 ऐसा प्राइस है। ये कोलगेट है 55 रुबल का है, ये 77 रुबल का है, कोई रशियन ब्रांड है शायद, और ये भी 50 रुबल का है। तो मैं कोलगेट लूँगा एक, ये भी हनी फ्लेवर है, हनी फ्लेवर भी कोलगेट का है, इंडिया में मालूम नहीं है कि नहीं। 55 रुबल का ये कोलगेट है, ये भी 50 रुबल का है। ये 50 रुबल के माउथ क्लीनर्स हैं सारे, 55 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने, हर चीज़ 50, 50 और 55 में है। ये देखो क्या क्या है यहाँ पे, सब 50 है सिर्फ। ये क्लीनिंग के जो स्टफ्स हैं वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट नहीं है, हर जगह बहुत महंगे हैं। ये 50, 50, 99, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बच्चों के कुछ छोटे छोटे कपड़े, और यहाँ पे टेप्स हैं, हार्डवेयर थिंग्स भी हैं यहाँ पे। ये तो अपन के काम की चीज़ें नहीं यार, सब लोग मुझे घूर रहे हैं, क्या कर रहा है। ये सारे सामान हैं, और ये चॉकलेट्स हैं यहाँ पे, ये हॉट चॉकलेट 50 रुबल की है,
इसको मैं ज़्यादातर लेता हूँ, दूध में डालो और मिला के पियो, बहुत अच्छी लगती है हॉट चॉकलेट। और कॉफ़ी भी है 50 रूबल की है, और भी चाय है यहाँ 55 55, ये भी 55 की है। और ये देखो ये रोटी चोको पाई जस्ट 50 रूबल की, और यही सेम चीज़ है 150 की थी वहाँ पे लेंता में। तो मैंने आपको बताया था कितनी चीपेस्ट चीज़ें हैं यहाँ पे, बिस्किट्स भी 27 रूबल 55 रूबल। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 25 रूबल का बिस्कुट है, ये 50 रूबल के हैं सारे पैकेट्स। चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट जो है 27 रूबल का है, और ये पूरी जो चॉकलेट है ये 50 रूबल की है। तो बहुत चीपेस्ट है, चॉकलेट यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत किचन थिंग्स बर्तन भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें 50 50 रूबल की हैं सब, कुछ कुछ 70 रूबल के हैं। और ये गिलास में लेके गया था ये वाला अपने, मेरे पास है ये 77 रूबल का है, और ये वाला लोगे तो 55 रूबल का है, छोटे हैं ये, शॉट लगाने वाले जो होते हैं वोडका वोडका पीते हैं जो, 16 रूबल के हैं, और उससे छोटे 13 रूबल के हैं। और ये बोतल है 99 रूबल की है, और यहाँ बोतल हैं, कप भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो भाई मशरूम्स हैं, ये 55 रूबल के हैं, और ये मटर है 27 की है, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें हैं, सॉसेस हैं 50 रूबल की है, यहाँ पैक मीट है, फिशेस हैं 25 रूबल की, और यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स है सारे। और यहाँ पे राजमा है 55 रूबल की राजमा, ये काली राजमा, ये वाइट राजमा 55 रूबल की, ये पहले से ही बॉइल्ड होती है अंदर, ये सारी 27 27 रूबल की हैं। पेप्सी और मिरिंडा छोटी वाली है, और ये पूरी जूस की बोतल है 2 लीटर की है 50 रूबल की है, 55 की सॉरी 55 रूबल, 1.93 लीटर। और भी यहाँ चिप्स लेकिन बहुत महंगे पूरे रशिया में। तो ओवरऑल यही था 55 रूबल का, देखो ये 55 रूबल का जूस है 1.5 2 लीटर के, मल्टी फ्रूट्स सारे मिक्स हैं इसमें, और ये अनार का है 50 रूबल का। तो ये जूस यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, जिसको बियर वियर पीनी है तो बियर तो भाई रशिया बेस्ट है उसके लिए, 27 रूबल की बियर है, 50 50 रूबल की बियर्स हैं यहाँ पे, ये भी 50 रूबल की है, जो पीते हैं उनके लिए तो बेटर है ये 50 रूबल की मूल्य। भाई ये बैग्स हैं, ये बैग है ये 200 रूबल का है स्कूल बैग, 199 रूबल का स्कूल बैग है। और ये लैंप है यहाँ पे, बैग्स हैं, और ये बच्चों का है 91 99 रूबल का, इसमें लाइट ग्लो होती है। और भी बहुत चीज़ें हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स भी है, माउस है, ये माउस 100 रूबल 99 100 रुपये का मतलब। तो भाई अभी मैं डायरेक्ट आ गया हूँ अपने हॉस्टल यानी अपने रूम में हूँ मैं, और भाई इसके बाद मैं बाहर आया तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, और सामान भी ज़्यादा था, बारिश ने ज़्यादा सामान लिया था, मैंने ज़्यादा सामान लिया नहीं था। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, हाँ पेप्सी भी है 77 रूबल की आती है 2 लीटर, और जूस भी, और काफ़ी चीज़ें थी जितनी हो सकी थी मैंने वहाँ पर दिखाई। तो ये फिक्स प्राइस की अच्छी बात यह कि जो ज़्यादातर सामान है ना इनका 50 से 55 रूबल के ऐसे बीच में होता है, और बहुत कम सामान है जो 70 80 90 ऐसे, ये कोशिश ये करते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 50 या 55 रूबल में हो। जैसे कि अमेरिका में एक है ना $1 के नाम से वहाँ पे सुपरमार्केट होते हैं, कुछ भी लो $1 में, तो वैसे ही कुछ यहाँ का भी है जिस फिक्स प्राइस में, कि ज़्यादातर चीज़ें ये लोग 50 और 55 रूबल में होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, मैंने कई लोगों को पता, मैंने ढूंढी थी ये, सबसे पहले अपने नेपाली भाई ने ढूंढी, नेपाली भाई ने मुझे बताया, फिर मैंने निकेश को बताया, तो 50 55 रूबल में मिलती है। और जो बियर या वोडका जो सब लोग जो लोग पीते हैं वो भी बहुत सस्ती है वहाँ पे, सबसे चीपेस्ट वहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे वो लोग आपको ऐसे नहीं देंगे, आपको पासपोर्ट दिखाना होगा कि आप कोई भी, अगर आप 18 साल से ऊपर हो एज तभी वो लोग देते हैं, जो भी अगर लेता है, क्योंकि मैंने देखा है रशियंस भी लेते हैं,
तो रशियंस पहले अपना पासपोर्ट दिखाते हैं कि ये मेरा पासपोर्ट है, तभी ये लोग उनको बियर तो दे देते हैं लेकिन जो वो अल्कोहल या वोडका होती है तो वो देख के ही देते हैं कि 18 एज से ऊपर है, और टाइम अगर ज़्यादा लेट हो रहा होता है तो देते नहीं है ये लोग, तो इसमें थोड़े स्ट्रिक्ट ज़्यादा हैं। और जो पीते हैं उनके लिए तो बल्ले ही बल्ले भाई, हम तो पीते नहीं हैं। जो पीता है बहुत सस्ती है यहाँ पे बियर, और बहुत ज़्यादा सस्ती है, 20-30 रुपये ऐसे ऐसे मिलती है यहाँ पे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। हैव अ नाइस डे।